टाटा टाटा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं केशकाल से 2 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पे सामने पर एक खूबसूरत सा गेट जो बना हुआ है और इसी रूट को हमको पकड़ के जाना है और इस साइड जाता है जगदलपुर के साइड। और सामने पर आपको एक बोर्ड मिलेगा जो वाटरफॉल के पूरा जानकारी आपको देगा, यहाँ पे वाटरफॉल कितने वाटरफॉल यहाँ पे इस रूट पे आपको मिलने वाला है और यहाँ का पहाड़ और जंगल का खूबसूरत दृश्य आपको दिखाने वाले हैं। अभी एक गाँव का विलेज भी आपको दिखाएंगे, किस प्रकार से लोग यहाँ पे रहते हैं, किस प्रकार से घर बना कर यहाँ पे अपना निवास करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते हुए चलेंगे किस प्रकार से यहाँ पे लोग यहाँ पे रहते हैं। और देख सकते हैं इसी रूट को पकड़ना है हम लोग को और इस साइड से जाता है जगदलपुर और सामने पर यात्री प्रथा है, तो चलते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से निकल चुके हैं और ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा, हरा भरा पूरा जंगल यहाँ पे और पहाड़ी पहाड़ आपको नज़र आएंगे छोटा बड़ा आपको जाते वक्त। और यहाँ पे आपको जस्ट पहुँचते ही 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव जो बसा हुआ है काफ़ी खूबसूरत सा गांव है और इस गांव को शायद होनहेट ऐसा करके बोला जाता है। और यहाँ का रहन सहन आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग यहाँ पे घर बना के रहते हैं, लकड़ियों का घेरा बना के इस जगह पर ऐसे रहते हैं जो कि काफ़ी अच्छा भी लगता है। और इसी प्रकार से लोग यहाँ पे निवास जो करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं इसी पे। और देख सकते हैं दोस्तों ये देख सकते हैं कुछ लोग जा रहे हैं क्योंकि ख़रीदारी के लिए शायद केशकाल गए होंगे, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं सामने पर एक बड़ा सा पहाड़ आपको नज़र आएगा क्योंकि ये गांव जो बसा हुआ है पहाड़ों के बीच घेरों पे बीच पे बसा हुआ है, ऐसा है यहाँ का खूबसूरत दृश्य। और आपको यहाँ पर एक बोर्ड नज़र आएगा जो कि वाटरफॉल के साइड लेके जाता है और ये होनहेट वाटरफॉल लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं लकड़ियों का यहाँ पर घेरा बनाकर सब्जियों का खेती करते हैं ऐसा है। और गांव भी इसी प्रकार से घेरे पे रहता है, ज़्यादा खास करके सब तरफ इसी लकड़ियों का घेरा ही नज़र आएगा क्योंकि इसी प्रकार से लोग यहां पे रहना अपना ठीक मानते हैं। और यहां पे देख सकते हैं कुछ बच्चे लोग यहां पे बैठे हुए हैं और इस साइड देख सकते हैं यहाँ पर शायद मार्केट वगैरह लगता होगा किसी दिन, तो चलते हैं वाटरफॉल के साइड। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम पहुंच चुके हैं केशकाल से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल है जो होनहेट वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, उस जगह पर हम पहुंच चुके हैं। और ये होनहेट जो वाटरफॉल है वाटरफॉल का नाम नहीं है, ये गाँव का नाम है, होनहेट करके नाम है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं होनहेट वाटरफॉल, तो अभी आपको खूबसूरत दृश्य आपको दिखाने वाले हैं, तो चलते हैं आपको खूबसूरत दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना ना भूलें, तो वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं वाटरफॉल के साइड और यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी गजब का यहाँ पे पहाड़ वगैरह है मस्त, यहाँ पे उसके नीचे पे वाटरफॉल चलता है। और इधर गांव के साइड से हम आए हुए इस साइड भी आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे अच्छा खासा पहाड़ वगैरह सब चीज़ है, यहाँ पर घने जंगलों के बीच में है और खेत खार भी लगा हुआ है। तो वीडियो पर बने रहिए, आपको दिखाते हैं होनहेट वाटरफॉल का, काफ़ी गजब का वाटरफॉल है ये भी, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। और कितने लोग इस जगह पर घूमने के लिए आए हुए वो भी आपको दिखाते हुए चलेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए आप। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के नज़दीक क्योंकि यहां से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है क्योंकि वाटरफॉल चालू है इस कारण से। तो फिलहाल हम इसी रूट को पकड़ कर चलते हैं जो पैडगरी रास्ता जो बना हुआ है, लोग इसी रास्ते से शायद जाते होंगे ऐसा है यहाँ, क्योंकि हम इस जगह पर पहले तो नहीं आए लेकिन आज पहुँच चुके हैं, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं उबड़ खाबड़ रास्तों को हमको तय करते हुए वाटरफॉल के साइड पहुंचने वाले हैं और आपको यहां से खूबसूरत सा दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। और देख सकते हैं काफ़ी गजब का वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा अब यहां पे, तो सामने दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यहां से देख सकते हैं काफ़ी गजब का नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ से वाटरफॉल का, क्योंकि अभी और अच्छा खासा बारिश हुआ है इस कारण से वाटरफॉल को फिलहाल चालू है इस जगह पे। और होनहेट वाटरफॉल के नाम से इस वाटरफॉल को जाना जाता है और नीचे के साइड जाने के लिए बगल पे एक पैडगरी जो रास्ता जो पैदल चलने के लिए बना हुआ है उसी साइड आपको लेके चलेंगे और आपको नज़दीक से वाटरफॉल का नज़ारा को दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहीं से फिलहाल को ऊपर से नज़ारा इस प्रकार से देखने को लगता है और अगल बगल आपको पूरा पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएगा क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में यह
वाटरफॉल स्थित है। इस कारण से देख सकते हैं काफ़ी गजब का नज़ारा है। यहाँ से फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा जगह है ये कोनेट वाटरफॉल, क्योंकि पहाड़ों पे है, इस कारण से पहाड़ों के बीच पे ये वाटरफॉल चलता है, ऐसा है। तो चलते हैं हम उस पार, आपको फोटो से दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस साइड और हम जा रहे हैं नीचे के साइड और इसी रूट को पकड़ के चलना है। छोटा सा रास्ता जो है पैदल चलने के लिए ऐसा है यहाँ के, और पहाड़ों को देख ही सकते हैं किस प्रकार से काफ़ी बड़ा बड़ा पहाड़ यहाँ पे नज़र आएंगे, और देख ही सकते हैं ऐसा है यहाँ पे पैदल चलने के लिए। उबड़ खाबड़ रास्तों को तय करते हुए हमें वाटरफॉल के नीचे का साइड जाना है फिलहाल, तो देख ही सकते हैं। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं पहले। तो दोस्तों हम तो आ चुके हैं यहाँ पे वाटरफॉल के साइड, नीचे के साइड में पहुँच चुके हैं और यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पे और नज़दीक जाकर वो दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ से। और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रहा है इस कारण से, और कुछ लोग आए हुए हैं इस जगह पे नहाने के लिए, घूमने के लिए, ऐसा है। और आते रहते हैं होनेट वाटरफॉल में, क्योंकि ये केसकाल से 12 से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, इस कारण से इंजॉय करने के लोग, घूमने के लोग आते रहते हैं, और अच्छा खासा भी पानी यहाँ पर चलता रहता है, क्योंकि नहाने के लिए काफ़ी बनता है जगह पे, कईयों जगह कईयों वाटरफॉल में तो नहाने के लिए बनता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बन जाता है, ऐसा है। यहाँ पे कुंड जैसा एक छोटा सा कुंड जैसा बना हुआ है, इस कारण से फिलहाल तो काफ़ी खूबसूरत से दृश्य आपको देखने को मिलेगा वाटरफॉल का। और ये देख सकते हैं नीचे का साइड, कुछ लड़के लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस साइड, और इससे जाता है वाटरफॉल का पानी जो कि पहाड़ों से गिरते हुए नीचे के साइड जाता है, जो कि काफ़ी गजब का लगता है वाटरफॉल। तो ये रहा होनहेट वाटरफॉल का काफ़ी खूबसूरत से दृश्य जो आप अभी देख पा रहे हैं, काफ़ी गजब का नज़ारा है वाटरफॉल का। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।